संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज अपन फिर से अपन जो अध्याय नंबर एक यानी पार्ट नंबर एक पढ़ रहे थे उसमें आज फिर से अपन उसका पार्ट नंबर पांच लेके आए हैं। तो पांच नंबर पार्ट में अपन बात करेंगे, अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को अपन इस लेसन को पढ़ते पढ़ते अपन पहुंच गए थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से आप देख रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है अब देखो, वह विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया वह अधिक क्रियाशील तत्व है कम है क्रियाशील। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, तत्व को विस्थापित कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। पुनः देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया को, उसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है तो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सरल सी, देखिए अपन सर्वप्रथम क्या है, तीन कील लेते हैं उसको रेगमाल जानते हो। रेगमाल से क्या है, उनको अच्छी तरह से रगड़ना है, रगड़ के उसको क्या है, साफ करना है। साफ करने के बाद अपने को क्या करना है, ए व बी दो प्रक्रिया लेनी है। ए व बी दो प्रक्रिया लेने पे क्या, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या, वो जो कीले है वो उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में दबानी है, डुबोनी है, और क्या वो धागे से कीलों को क्या करना है, धागे से बांधना है और फिर उसमें डुबाना है। अब देखो अपन ने वो तीन कीले ली थी, उनमें से दो तो क्या अपने प्रक्रिया में धागे से बांध दिए, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसको प्रक्रिया में डाली थी। फिर क्या करते हैं, ऐसे करके अपन को किलो में 20 मिनट के लिए अंदर रखते हैं। फिर क्या करते हैं, अंदर रखने के बाद इनको निकालते हैं और देखते हैं कि प्रक्रिया में और किलो में क्या परिवर्तन आता है। जो अपने प्रक्रिया में अपने कॉपर सल्फेट डाला था उसका क्या कलर चेंज होता है, उसका कलर क्या व्हाइट होता है, और जो अपने दो किले अपन कॉपर सल्फेट डाले थे उसको बाहर निकालते हैं तो उसका क्या कलर है, वो अलग कलर का होता है, वो होता है ब्राउन यानी भूरा कलर जैसा है। जैसे अपन ने कॉपर देखा है वो कॉपर उसी कलर का होता है, वो भूरा ब्राउन है जो उन किलो का वो कलर होता है। जैसा कि आपने इंटरेस्टिंग उदाहरण बताऊं आपको कि जैसा कि कॉपर का वायर आप सबने देखा है उसी कलर का ये हो जाता है। अपन उदाहरण को लिखते हैं, जैसे विस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली, आगे इसका उदाहरण लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं एफई लिख लिया, यानी एफई क्या है, फेरस आयरन है। क्या है, फेरस भी बोल सकते हो उसे, क्या फेरस आयरन। फिर क्या है, फेरस आयरन ले लिया, उसके बाद क्या है अपने को, कॉपर सल्फेट लेना है, CuSO4 ले लिया, CuSO4 यानी ये क्या एक जलीय विलयन है। जब फेरस आयरन को जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब अपने को ये क्या है, क्योंकि ये इक्वस है तो अपन क्या है जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवाने से अपने को क्या है, क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा अपने को FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। क्या प्राप्त होगा, FeSO4 FeSO4 अपने को प्राप्त होता है। वो क्या है, वो भी एक जल की अवस्था में, तो यहाँ ये कौन सा हो जाएगा, इक्वस, ये इक्वस है। तो FeSO4 ये भी जले विलयन, तो इक्वस लगा दिया। फिर क्या है अपने को प्राप्त है कॉपर होगा, Cu क्या है, कॉपर। तो ये कौन सी अवस्था में, कॉपर भी ठोस अवस्था में है,
तो ये FeSO4 क्या है? FeSO4 को किसके नाम से दर्शाएंगे? आयरन सल्फेट के नाम से, आयरन सल्फेट। FeSO4 क्या है? आयरन सल्फेट है। और ये क्या है? Cu क्या है? कॉपर है। यहां कॉपर लिख देते हैं इसको, अब देखो इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में लोह है तो आयरन, लोहे को आयरन बोलते हैं। हमने पहले देखा है इस अभिक्रिया में लोह क्या, लोह है ना, इसे आयरन भी बोलते हैं। आयरन ने दूसरे तत्व है को कॉपर, दूसरे तत्व को कॉपर सल्फेट से, सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। इसको कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया के ऊपर थोड़ी लिखते हैं, इससे अभिक्रिया, इससे अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में लोहा, इस अभिक्रिया में यहां देखो लोहा है ना, इस अभिक्रिया में लोहा, इसे अपन क्या बोलते हैं? आयरन भी बोलते हैं। लोहा आयरन ने दूसरे लोहा आयरन क्या किया, दूसरे लोहा आयरन ने दूसरे तत्व है, दूसरे तत्व क्या किया, लोहा आयरन ने दूसरे तत्व है, दूसरे तत्व है कॉपर, दूसरे तत्व है कॉपर, दूसरे तत्व कॉपर को सीयू ले रखा ना, कॉपर, दूसरे तत्व कॉपर, कॉपर सल्फेट, दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट, दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन, दूसरे तत्व क्या हो गया, कॉपर सल्फेट के विलयन, के विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करवाते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित या विस्थापित या विस्थापित कर देता है। अब देखो इस अभिक्रिया में लोहा आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट से विलयन से विस्थापित कर देता है, कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो ये अपन ने क्या है, परिभाषा लिख ली है, ये वह है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लेना कमेंट में भी। अब देखो अपन कुछ अन्य उदाहरण और भी देखते हैं। अन्य उदाहरण लेके आए आपके लिए, तो देखो अन्य उदाहरण लिखते हैं अपन। जिंक सल्फाइड को अपन है जो कॉपर सल्फाइड के विलयन में मिलाते हैं, तब क्या होता है, कॉपर है जो विस्थापित होता है सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं, तब क्या है, कॉपर तो विस्थापित होता है और अपने को जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। अब आगे देखो इसी में ये है कि PPA जो लेड है, लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ विस्थापित करते हैं, यानी इसमें मिलाते हैं तो अपने को कॉपर है वो तो विस्थापित होता है और लेड क्लोराइड बचता है। अब देखो आज अपन ने क्या किया है, विस्थापन अभिक्रिया को पूरा पढ़ लिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया के पढ़ के अपने क्या है आगे है, तो अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अपने हम क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले क्या है, विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नाम देखो विस्थापन और द्विविस्थापन, तो दोनों द्विविस्थापन विस्थापन दोनों के नाम क्या, विस्थापन विस्थापन सेम मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या है अपने को ये विस्थापन अभिक्रिया अच्छी से आनी चाहिए। अगर अच्छी आएगी तो क्या अपन इसको अच्छे से पढ़ के अगली अभिक्रिया वो कर सकते हैं। तो अगली क्लास से पहले अपन इस क्लास को कंप्लीट रखना, और अगली नेक्स्ट क्लास है तो अपन कल करेंगे। अतः आप सबसे निवेदन है अपने इस YouTube चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी क्लास उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।